हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ाई जाने वाली अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट 7, जिसका नाम है वेव्स एंड वाइब्रेशन, उसका फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के विषय में कि आखिर इसमें हमको क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ लेक्चर फर्स्ट में कुछ फिक्स टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पढ़ते हैं यूनिट 7 वेव्स और वाइब्रेशन के सिलेबस की। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहले हम पढ़ेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक एंड ऑस्किलेटरी मोशन। यानी पीरियडिक, हिंदी में हम इसे पीरियडिक को कहते हैं आवर्ती गति, और ऑस्किलेटरी मोशन का मतलब होता है कंपनीय गति, कंपन गति। तो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। सेकंड आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स। थर्ड इसमें आएगा एक्सप्रेशन एंड ग्राफ फॉर डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू SHM, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड, इनके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फोर्थ आता है इसमें टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसके टाइम पीरियड के लिए। फिफ्थ आएगा वेव मोशन एंड क्लासिफिकेशंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल साउंड, उसमें नॉइस क्या होता है, और साथ ही फ्री, फोर्स्ड एंड रिजोनेंट वाइब्रेशन क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर हम पढ़ेंगे एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, और लास्ट आएगा इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये है आपका सिलेबस। तो आज हम फोर्थ यानी लेक्चर फर्स्ट में हम लोग फोर्थ पॉइंट तक कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पीरियडिक मोशन क्या है, पीरियडिक मोशन का मतलब ये होता है पीरियड मतलब एक निश्चित टाइम के बाद एक निश्चित पथ पर जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अपनी मोशन को दोहराता है तो उसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और 365 से ही 1/4 दिन में फिर दोबारा उसी पथ पे अपनी गति को दोहराती है, तो ये हो गया पीरियडिक मोशन। या हम ये कहें कि पृथ्वी अपनी ही अक्ष के चारों ओर 24 घंटे में एक राउंड करती है, तो ये भी क्या हो गया, पीरियडिक मोशन। जैसे घड़ी की सुइयां हैं, वो एक निश्चित टाइम पीरियड बाद सेकंड की सुई 60 सेकंड के बाद दोबारा उसी पथ पे गति करती है, तो ये भी पीरियडिक मोशन है। या जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये स्प्रिंग से अगर कोई बॉडी हैंग कर रही है, इसे मैं नीचे खींचू तो ये ऊपर नीचे गति करेगी, ये भी क्या है, पीरियडिक मोशन है। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम, किसी तागे से कोई बॉब हम हैंग कर दें और ये इसको यहाँ लेके छोड़ दें, तो ये एक निश्चित पथ पे अपनी गति को बार बार रिपीट करता है एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, तो इसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। अब पीरियडिक मोशन ये है, तो फिर ऑस्किलेटरी मोशन क्या है, कंपनी गति। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो मोशन होता है ऑस्किलेटरी मोशन, ये एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, होता ये भी क्या है, एक ये भी वही है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अपनी गति को दोहराता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बैक एंड फोर्थ मोशन है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर होता है। अब देखिए, आप इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप सीधे सीधे ये कहेंगे कि सारे, जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, देखिए ये सिंपल पेंडुलम है, ये इस पॉइंट ओ के इधर उधर गति कर रहा है, इधर उधर मोशन कर रहा है, तो इसे हम ऑस्किलेटरी मोशन कह रहे हैं। या ये स्प्रिंग, इसे थोड़ा सा नीचे खींच लें अगर बॉडी को, तो ऊपर नीचे गति करेगा इस पॉइंट के ऊपर नीचे, तो इसे हम कहेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। ऐसे ही जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें वायर होते हैं, उस वायर को हम थोड़ा सा छोड़ते हैं तो वायर अपनी बीच वाली पोजिशन के ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, जिससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमको मिलती हैं, तो ये भी ऑस्किलेटरी मोशन है। अब अगर आपसे किसी ने कहा इन दोनों में सीधे सीधे डिफरेंस बताइए, तो आप ये कहेंगे कि सारी की सारी जो ऑस्किलेटरी मोशन है वो पीरियडिक है, लेकिन सारी की सारी पीरियडिक मोशन ऑस्किलेटरी नहीं है। आप देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये पीरियडिक तो है लेकिन ऑस्किलेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी ये ऑस्किलेटरी मोशन के मैंने एग्जाम्पल दिए, ये सारे के सारे पीरियडिक है। तो आई होप कि आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं कि एनी ऑस्किलेटिंग बॉडी इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वेलोसिटी के
चेंज होने की रेट को, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी आप जानते हैं कि यानी अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो क्या ऐसा होता है, जैसे माना कोई एक एग्जांपल हम ये बॉब वाला ले लेता। अब आप इसको देखिए, ये है बीच की कंडीशन और ये किनारे की कंडीशन। आप जब इस बॉब को इधर से छोड़ देंगे तो इस तरीके से सेंट्रल पोजिशन पे ऐसे मूवमेंट करने लग जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है और यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी चेंज की रेट कहां पे मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे हम इस कोने में जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। यहां कोने पे जीरो हो जाएगी, यानी इधर जाने पे धीरे धीरे घट रही है और बीच में मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को जब हम माइनस करके टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो आप जानते हैं कि कोने पे सबसे डिफरेंस कब इनका मैक्सिमम होगा, जब एक वेलोसिटी जीरो होगी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से इधर जाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट वाई भी बढ़ेगा और एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और दूसरा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की ओर होगा। और ये आप क्लियरली देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब वाई इधर की ओर हो रहा है तो उस समय एक्सेलरेशन इसका इस साइड को होना चाहिए। तो वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसीलिए यहां पर तो इसकी जो कंडीशन है उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, एल्फा वाई के प्रोपोर्शनल है। और माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जहां एल्फा, जिस डायरेक्शन में एल्फा है उसके अपोजिट वाई है, यानी वाई अगर इधर है तो एल्फा इधर होगा। तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दो कंडीशंस हैं, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के और सेंटर पोजीशन के टुवर्ड्स होता है। इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई पिस्टन है इंजन का, वो ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऐसे ही किसी ग्लास की ट्यूब में अगर मरकरी है और इसका एक लेवल ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो। सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अच्छा, ये तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज सॉरी, इसमें देखिए, इसमें क्या मैंने क्या हुआ कि सर्कल ड्रॉ करा हुआ है और यहां पर ये एक पॉइंट है, माना ये पॉइंट पी, यहां से एक पार्टिकल है ये मूवमेंट कर रहा है इस सर्कुलर मोशन पे और इसका एक प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे पी पॉइंट से हमने एक प्रोजेक्शन बना दिया एन पे, ठीक है। अब देखिए P जैसे जैसे इस सर्कुलर पाथ पे गति करेगा, मूवमेंट करेगा, तो ये जो प्रोजेक्शन कहां जाएगा इसका, ये देखिए, जब ये यहां पे था तो ये प्रोजेक्शन एन यहां पे है, जब ये यहां पे गया तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे है, जब ये यहां पे जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन कहां पहुंचेगा, इस पॉइंट पे। जैसे जैसे ये P इस साइड को जाएगा ये प्रोजेक्शन फिर नीचे आएगा, प्रोजेक्शन मतलब इसकी छाया इस पॉइंट पे, ये धीरे धीरे नीचे आएगी और जब ये पॉइंट यहां पे पहुंचेगा प्रोजेक्शन यहां पे, और जब ये पॉइंट धीरे धीरे पूरा यहां तक पहुंचेगा तो ये एन कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे और फिर बीच में, यानी कि जैसे ये बॉब मूव कर रहा था। तो इसलिए इसके जो प्रोजेक्शन होता है उसको भी हम मानते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो हम सारे के सारे जो फॉर्मूले डिराइव करते हैं वो एक पार्टिकल के सर्कुलर मोशन, यानी कि इस एन के जो ये प्रोजेक्शन है इसके मूवमेंट के थ्रू ही हम सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने कहा था जो इससे रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले हार्मोनिक ऑस्किलेटर, कई बार यूज होता है कि हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या है। तो कोई भी ऑस्किलेटिंग करती हुई बॉडी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो उसे हम कहेंगे हार्मोनिक ऑस्किलेटर, यानी ऑस्किलेशन उसमें हो, ऑस्किलेशन हो और ये कंडीशन फॉलो हो रही हो तो वो होगा हार्मोनिक ऑस्किलेटर। फिर हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सेंटर पोजीशन से किसी भी टाइम पे इस बॉब की या जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं उनकी डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर पोजीशन, जैसे ये एन का प्रोजेक्शन मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है इतनी, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ ओ से लेकर के और इस पॉइंट तक, ये हो जाएगी आपकी एम्पलीट्यूड। इसके बाद टाइम पीरियड किसे कहते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, यानी कि जब एक रिवोल्यूशन इसका कंप्लीट होता है, जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करके यहां से चल के यहीं पे पहुंच जाएगा तो जितना टाइम वो लेगा जाने में उसे कहेंगे टाइम पीरियड। यहां हम ये कहेंगे ये जो एन प्रोजेक्शन है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और फिर यहीं पे आएगा, तो ये होता है एक कंप्लीट राउंड। तो जितना टाइम ये एक कंप्लीट राउंड करने में लेगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस होंगे, यानी एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस होंगे
उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ये जो टाइम पीरियड होता है उसका रेसिप्रोकल भी होता है। सिक्स इसमें आता है फेज, यानी कि कला क्या होता है। ये वो वाला फेज नहीं है जो इलेक्ट्रिकल में हम लोग फेज वायर यूज करते हैं, ये दूसरा फेज है जो वेव्स के फॉर्म में यूज होता है। फेज का मतलब क्या होता है कि वी पॉइंट पे, माना यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हमको फेज पता चल जाए तो हमको पता चल जाता है कि इसकी पोजिशन क्या है। मतलब यहाँ तो हम देख के भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको केवल फेज बता दिया तो आप फट से पता कर सकते हैं कि पार्टिकल किस पोजिशन, जैसे मैंने कह दिया कि पाई इसका फेज जो है जीरो है, तो इसका मतलब ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट पॉइंट पे है। हमने कहा इसका फेज पाई बाय टू है, तो हम समझ जाते हैं कि ये पाई बाय टू यानी कि यहाँ पर है, क्योंकि ये एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय टू यानी 90। तो ये फेज जो होता है वो किसी भी टाइम पे ऑस्किलेटिंग करते हुए पार्टिकल का पोजिशन बताता है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं जो इस SHM से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये पार्टिकल जो ये प्रोजेक्शन है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, या जो पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं एक ही पेज में ही डिराइव किए हैं। ऐसा करने से क्या है कि आप लोगों को डाउट्स बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब आप सारे फॉर्मूलों को डिराइव करना चाहते हो तो आपको पहले वाले की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो फॉर्मूला है वो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, तीसरा है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, अगला है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, और लास्ट है एनर्जी इन SHM। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन SHM। यहाँ पे मैंने कहा था सारे फॉर्मूले हम इस प्रोजेक्शन के थ्रू डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन एन ओ से इधर इधर और फिर बीच में इस तरीके से मोशन करेगा। तो देखिए, माना कोई पार्टिकल हमने ले लिया वो पी पॉइंट पे, तो उसका प्रोजेक्शन एन पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ओ से इसकी डिस्टेंस वाई हमको फाइंड आउट करनी है। हम इसका एम्पलीट्यूड यानी इसकी रेडियस मान लेते हैं आर। एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मान लेते हैं आर। और ये एंगल किसी टाइम पे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा ले लेते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है माना। तो आप सीधे सीधे इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये थीटा है, तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्रॉस करती है तो तिरिया कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो इस ट्राइंगल में जो ये एन ओ पी ट्राइंगल है, इसमें अगर आप साइन थीटा लगाएंगे का फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, यानी साइन थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा, लंब बटकर्ण, लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है इसके लिए, अपॉन जो डायगोनल होगा आर, तो वाई अपॉन आर, इससे वाई निकल जाएगा आर साइन थीटा। और थीटा को आप ओमेगा टी भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला। अच्छा, वेलोसिटी के लिए कैसे निकालेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप पहला फॉर्मूला याद रखेंगे और सीधे सीधे वी इज इक्वल टू, आप जानते हैं डीवाई बाई डीटी होता है, तो डिफ्रेंशिएट कर देना है डिस्प्लेसमेंट को। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला मिल जाएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये कहाँ से निकाला मैंने, सीधे कॉस ओमेगा टी को यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी एन ओ पी में, ये कर्ण था ये लंब था तो आधा निकाल दिया। आप जानते हैं कर्ण पर बना वर्ग दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यू नो पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इससे हमने कॉस ओमेगा टी निकाला, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके वी निकल गया। ओके, तो ये दो फॉर्मूले वेलोसिटी के लिए होते हैं। और फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि वेलोसिटी के चेंज होने की रेट होती है एक्सेलरेशन, यानी ए इज इक्वल टू डी वी बाई टी डी। तो जो वेलोसिटी के लिए आया इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, आप इजिली कर सकते हैं। तो जो एल्फा है ये अल्फा है, इसे ए मत रखिएगा, क्योंकि कई बुक्स में एम्पलीट्यूड को ए से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे अल्फा से दिखाया, ये भी अल्फा मान लीजिए आप। तो अल्फा इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको सीधे फॉर्मूला, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। तो इस तरीके से देखिए, ये आपको आ गया, तो ये दोनों आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है कि ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए पूछे जाते हैं आप। तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही आसान है, आपको y इज इक्वल टू आर साइन थीटा के फॉर्म में याद रखना है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट और t और फाई यानी कि जो फेज है उसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं।
थीटा को पहले जीरो ले लीजिए, तो जब जीरो होगा तो वाई कितना हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, यानी जब फेज जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, यानी कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे इस थीटा को बढ़ाइए, थीटा को पाई बाई टू पर ले जाइए, यहाँ पर पाई बाई टू पर साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू होगी वाई की आर, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कर्व आगे बढ़ेगा, पाई पे फिर जीरो होगी और ये कर्व इस तरीके से आगे बढ़ेगा, वेरी इजी। फिर आइए वेलोसिटी और थीटा, आप यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू कॉस थीटा के फॉर्म में, अगर इसे थीटा के फॉर्म में लेंगे तो कॉस थीटा, तो जब ये जीरो होगा तो कॉस जीरो वन, यानी v मैक्सिमम होगा जब फेज जीरो है, वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब जब बॉब यहां पर होता है बीच में, जब थीटा जीरो होता है, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्लियर। इसे आगे बढ़ाएंगे पाई बाय टू पे जीरो, तो ये कर्व ऐसे जाएगा। सेम वे एक्सेलरेशन में हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन में भी साइन है और यहां भी देखिए साइन है, इसका मतलब इनके फॉर्मूले, इनका जो ग्राफ होगा सेम होगा, लेकिन डिफरेंस होगा माइनस का। यहां अगर ग्राफ ऊपर जा रहा था तो यहां ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन फेज इनका सेम होगा। तो इस तरीके से तीन कर्व आपने इजिली प्लॉट कर दिया और तीन जो फॉर्मूले थे वो आपने इजिली डिराइव कर दिया। अब देखिए हम लोग एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। टाइम पीरियड देखिए कैसे इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करें, ये भी बहुत आसान है। आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है थीटा बाई टी। अब आप ये मानिए कि ये अपना एक कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो कितना चलेगा ये थीटा, कितना हो जाएगा यहां से यहां तक जाने में, टू पाई। तो थीटा की जगह रखो टू पाई, और टाइम एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करने में ये टाइम लेता है टी, कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी, ठीक हो गया। इसे बना लो इक्वेशन नंबर ए। अब आप जानते हैं कि एल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये अभी अभी आपने डिराइव किया, तो इससे देख लीजिए इससे ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर एल्फा अपॉन वाई माइनस में, लेकिन हम एम्पलीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन नहीं लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा एल्फा अपॉन वाई। अब देखो यहां से भी ओमेगा मिला, यहां से भी ओमेगा मिला, इन दोनों ओमेगा को कंपेयर करो तो यहां से टी मिल जाएगा आपको, तो टी का जो फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट वाई अपॉन एल्फा, ओके। अब फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी टी का रेसिप्रोकल होता है, तो सीधे सीधे टी को उल्टा कर दीजिए, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल्फा अपॉन वाई, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए। तो देखिए इससे ये आया, इससे ये आया, और इससे ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम आते हैं एनर्जी इन एसएचएम, कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होती है, आखिर उसमें कितनी एनर्जी होगी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। v वेलोसिटी आप जानते हैं अभी अभी आपने निकाला r ओमेगा cos ओमेगा t, या ये वाला इसको रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा, v इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, बहुत आसान है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप सीधे देखिए इमेजिन कीजिए कि किसी भी पार्टिकल पे जब हम कोई वर्क करते हैं तो वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ ऊपर ले गए ए पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो हमने काम किया वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। कितना काम किया हमने वो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा के बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाई। अब डी डब्ल्यू क्यों लिखा मैंने, पहले हम यहां से छोटे एक छोटा पैच लेते हैं, हम कहते हैं हम यहां तक गए, इसकी लेंथ यहां से यहां तक डी वाई है, पहले डी वाई के लिए निकालो, तो डी वाई के लिए कितना आ जाएगा एफ क्रॉस डी वाई, ओके। और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बल गुणा के बल की बल भी इधर ही लगेगा और विस्थापन भी इधर ही, तो थीटा कितना हो जाएगा जीरो, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो कॉस ले ही नहीं रहे। अब जो फोर्स है वो तब द्रव्यमान गुणा के त्वरण न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो हम एफ की जगह रखेंगे एम अल्फा और डी वाई हो गया, और अल्फा की जगह ये वाला रख दीजिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, तो ये डी डब्ल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। यहां से छोटा यहां तक ले जाने में इतना काम किया, अब इसे यहां से पूरा ले जाइए किसी पॉइंट तक, माना इस पॉइंट तक ले गए आप, किसी भी पॉइंट तक, माना इसी पॉइंट तक ले गए, इस कहीं भी ले गए आप, उसको मान लीजिए वाई तक ले गए, तो जीरो से लेके वाई तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे उसको इंटीग्रेट यानी ऐड करना पड़ेगा, तो इसे इंटीग्रेट कर लीजिए जीरो से लेके वाई तक। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर बी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी को भी और काइनेटिक एनर्जी को भी, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। अब देखिए टोटल एनर्जी कितनी आई इसकी,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, आर भी एम्पलीट्यूड है और ओमेगा इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी है, एम इसके लिए मास है, तो ये इसका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए चारों को एक साथ पढ़िए तो बहुत ही आसान हो जाता है इनको डिराइव करना भी, ग्राफ भी बनाना, और सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ मिल जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी कि कोई सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम बनाया है, इसमें देखिए ये एक टैग एक्सटेंशन लेस टैग होता है जिसमें एक बॉब लटका हुआ है, इसे हम यहाँ से यहाँ पे लेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, केवल ये ध्यान रखना है इसकी लेंथ एल है और कि इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं इस बॉब पे। देखो इस समय इसका वेट एम जी नीचे की ओर है और इस पे एक टेंशन वर्क कर रहा है इधर की ओर, बाकी इस पे लगभग लगभग कोई फोर्स नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस एम जी को आपने यूनिट फर्स्ट में वेक्टर पढ़ा है, इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं एम जी को, एक इधर और एक इधर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम इसे थीटा मान रहे हैं, तो दो पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन जब काटती है तो ये संगत कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये एम जी ये भी थीटा होगा, तो ये इसको डिवाइड करेंगे जब हम इसके कॉम्पोनेंट में, तो जिस साइड एंगल बन रहा है उस साइड एम जी कॉस थीटा हो जाएगा और इस साइड को हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो अब हम इस एम जी को हटा करके इसकी जगह ये दो फोर्स लगा सकते हैं। अब देखिए बॉब पे दो फोर्स लगते हैं, एक इधर को और एक इधर को, और ये कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब इसने इसे बैलेंस कर दिया है अभी फिलहाल। तो ये हो जाएगा टी सी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये टी सी इसमें टेंशन है। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि इसमें जो दूसरा वाला फोर्स है एफ ये एम जी साइन थीटा, ये सेंटर की ओर वर्क कर रहा है, और ये बॉब अगर हम इसे जब छोड़ते हैं तो ये सेंटर की ओर आता है, इसका मतलब सेंटर की ओर लाने के लिए इसमें ये वाला जो फोर्स है ये काम कर रहा है एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो हो जाएगा वो इस पर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दीजिए एम एल्फा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणा के त्वरण, इसको एम जी साइन माइनस एम जी साइन थीटा के बराबर रख दीजिए, और इसको फर्दर आगे बढ़ाइए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगा जब ये थीटा कम होगा, तो थीटा कम होने की सिचुएशन में साइन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को थीटा रखिए, एम एल्फा को एम एल्फा रखिए, उसके बाद आप थीटा यानी जो एंगल है वो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। तो थीटा को आप ये वाई अपॉन एल लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और हम जानते हैं अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा एल्फा कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। फिर इन दोनों को कंपेयर करिए इन एल्फा को, तो आप देखेंगे आपको ओमेगा मिल जाएगा, और आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी से टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू रख के टाइम पीरियड के लिए आपके लिए फॉर्मूला मिल जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यही फॉर्मूला है इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। आप कई बार इसका इसके एग्जांपल्स नेचर में देखते हैं, जैसे माना कोई लड़की झूला झूल रही है वो उस पर खड़ी हो जाए तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टी सीधे प्रोपोर्शनल है किसके एल के, तो यानी कि लेंथ अगर कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम होगा, लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, तो जब वो खड़ी हो जाती है तो इसकी लेंथ घट जाती है तो टाइम पीरियड भी घट जाता है। ऐसे ही कोई घड़ी गर्मियों में सुस्त होती है, ऐसा क्यों होता है, ये सारे के सारे जो हैं वो इसी फॉर्मूले से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड लक, और अपनी क्वेरीज के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।